नमस्कार, विराट के बघेली बुलेटिन में स्वागत है। हम आहन पूजा खबर से मरिया से है, जहां बहुत ही शर्मनाक घटना घटित है, जहां एक नाबालिग बिटिया के बाप ओके साथ दुष्कर्म करे जैसा जघन्य अपराध करी। पता चला है कि अपनी सगी बिटिया के साथ वो 2 साल से शारीरिक संबंध बनावत रहा और ओकर शोषण करत रहा, और यहाँ तक के केहू से बतावे के लानी ओकर जान से मारे के धमकी देत रहा। किशोरी जैसन तैसन हिम्मत कई के अपने महतारी का ऐसा बाप बताई, सब जाए के वो थाना में रिपोर्ट करवाई। अब पुलिस वाले मामला का दर्ज कई के पीड़िता के बाप का हेरल रहा। काल रात चौराटा थाना में SDM बड़ी कार्रवाई कई के 93 बोरी सरकारी चावल जौने में FCI टैग लगा रहा, जेकर कीमत करीब 13 लाख रुपया बताई जाती, उसे लदे ट्रक का जौन के ट्रांसपोर्ट नगर से चावल लोड कई के कहाँ और पहुँचावे खातिर जायत रहा ओका धैर्य दरबोचिन। अपना का बताई कि रीवा कलेक्टर के निर्देश से सरकारी राशन के कालाबाजारी का रोके खातिर लगातार यमे के कार्रवाई हो रही है। फिलहाल पुलिस ट्रक ड्राइवर और मालिक से पूछताछ कर लाही है कि यह चावल कहां से लोड करके कहां पहुंचावे खातिर जात रहा। रीवा PTS में आसीन पुलिस अधीक्षक वैष्णव शर्मा का हाई अचीवमेंट सर्टिफिकेट दीन गा है। यह सम्मान उनका ट्रेनिंग के समय में बेहतरीन काम करे खातिर दीन गा। यह अपने रीवा खातिर गौरव के बात यह है। अपना का बताया कि 45 दिन के ट्रेनिंग के बाद IPS वैष्णव शर्मा रीवा माही SP PTS के स्थान में आसीन हमा। रजिस्ट्रार कार्यालय अपने कारनामा खातिर हमेशा चर्चे माही रहत हबे। असल माही विराट का कई बेर शिकायत मिलत रही कि रजिस्ट्रार कार्यालय रात के घलाई खुलत हबे और दस्तावेजन के साथ हेर फेर होती हबे। एकर पुष्टि खातिर जब अपन टीम वहाँ पहुंची तो शनिचर का आधी रात के घलाई कार्यालय खुला रहा और आधी रात के उप पंजीयक अनिल गोयल चपरासी नीरज के साथ कार्यालय के दस्तावेजन के पास मौजूद रहे। वहाँ जब कारण पूछा गया तो अपना सुनी क्यों कौ में के जवाब दी है। वही बस पूछना था किसके आदेश से हो रहा था। पता है कि आप मेरे बनाए, मेरे से पूछे बिना मेरी पिक्चर नहीं बना सकते, मेरा फोटो नहीं ले सकते। थोड़ा सा दूर तो रखना भाई। हाँ पूछा। हाँ, जब कहा से आज कार्यालय क्यों खुला हुआ है? आज पेंडिंग काम करने के लिए आए हुए हैं जी। पेंडिंग काम करे, किस तरह का काम पेंडिंग? मुझे पूरी जानकारी दीजिए। ऑफिशियल जो काम पेंडिंग होते हैं वो काम करने के लिए आए हैं। समाधान एक दिवस योजना के अंतर्गत कोई शिकायत पेंडिंग थी उसका जवाब बनाने के लिए आए हैं। किसके आदेश से सर? मैं खुद अधिकारी हूँ, सब रजिस्ट्रार हूँ। मेरे को किसी अन्य अधिकारी के आदेश की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम मेरा पेंडिंग है तो मैं खुद आ सकता हूँ। अवकाश के दिन? जी, अवकाश के दिन पेंडिंग काम हो रहे हैं। पेंडिंग काम निपटाने में बिल्कुल आ सकता हूँ, मुझे इसके लिए किसी किस्म के किसी अधिकारी के आदेश की आवश्यकता नहीं। ठीक है सर, नाम बता दीजिए अपना। अनिल कुमार गोयल, वरिष्ठ उप पंजीयक अनिल। ठीक है, थैंक। खबर रायपुर करचुलियान से हवाई, जहां शादी में कैटरिंग के काम करे वाले एक आदमी के ठंड से जान चली गई। यह घटना रायपुर करचुलियान के आए, जहां रात में खाना बनावे के बाद सोबे का आदमी सुबह अकड़ा मिला। आनंद फानन में उनका संजय गांधी अस्पताल ले जावा का, जहां डॉक्टर दिखता मृत घोषित कर दी। अब तक यह माना जा रहा है कि उनकर जान ठंडी से गई है। पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद बता पाई कि आखिर भागा रहा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है रही शुक्ला। क्या घटना हुई है? ये घटना अभी हमको जानकारी सुबह हुई है। ये लोग फोन के माध्यम से गाँव के लोग लगाए, गाँव के लोग हमको बताए कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है। हाँ, तो पता किए हम यहाँ आए तो सही निकली। इन लोगों से पता किया गया तो ये बताया कि भाई वहाँ गांव में थे, हलवाई काम करते थे साथ में लोगों के, इनका तबीयत खराब हुई है। घटना कोतवाली थाना के गडरिया गांव के आए, जहाँ पुरान दुश्मनी के कारण एक आदमी अपने बड़े भाई का घर बुलाए के शराब में जहर मिला के पिलाए दिस। घरे आए तो उनकर मेहरिया देख के एम्बुलेंस का फोन करी। जब एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आई तक ऑटो से लेके अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर उनका इलाज शुरू करी। हमारे पति की घटना भई है। मेरे पति के घर 8 बजे मेरा देवर राम विश्वास बलवाए के ही दारू का जहर दिया है। जब भी होश हो गए हैं तो पकड़ के हाथ और रोड में बैठाया आया था, तब कलप गए हैं, तब मुँह में लगा रहा है, तब खिलकुट चला रहा, तब हम पति निकले थे जाने के पीछे। स्वास्थ्य विभाग में ही नौकरी के आवेदन से लय के पदोन्नति और दवाइन के खरीदी तक होए वाले भ्रष्टाचार से केवल अनजान नहीं आए। यही कतार में ही एक छोर मामला जुड़ेगा, जो ने माही एक ऐसा आदमी का फार्मासिस्ट बनाए देगा जो ने के खातिर योग्य नहीं आई। अब जिला अस्पताल में ही बैठे फार्मासिस्ट हिंचलाल तिवारी के प्रमोशन में सवाल खड़ा हो लगा।
बतावागा के फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पदोन्नति खातिर लाइसेंस जरूरी हवे। वहीं आरोप हवे कि CMHO BM शर्मा लेन देन कई के आयोग तिवारी का ही फार्मासिस्ट बनवाए दहीन। वहीं विभाग के त्रिवेणी शंकर पांडे बताएं कि एकर शिकायत CMHO BL मिश्रा से करी, लेकिन वो कार्रवाई करे का कहिनता पे कार्रवाई करी नहीं। अपनो सुनी शिकायतकर्ता का कुछ जानकारी दहीन ही। त्रिवेणी शंकर पांडे है, मैं एक स्वास्थ्य विभाग जिला रीवा में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद पर स्टेशन पद से अवैध रूप से प्रमोशन किया गया है डॉक्टर BM शर्मा जी के द्वारा सन 2012 में, जिनका नाम है हिंसलाल तिवारी, जो कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए योग्यता नहीं रखते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी और मध्य प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल भोपाल से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है, लेकिन ये दोनों योग्यता हिंसलाल तिवारी ड्रेसर के पास नहीं है। लेकिन विभाग के द्वारा CMHO डॉक्टर BN शर्मा जी के द्वारा 2012 में अब रामपुर के सिमरिया माही उस समय गांव के लोग भयाए गए जब गांव माही वयस्क बंगाल बाघ पहुंचेगा। चीता के आवे के जानकारी जब फॉरेस्ट कर्मचारी का दीन गए तो मुकुंदपुर सफारी की टीम पहुंची और बाघ का बेहोश कह के पकड़ लेन जौने का सफारी ले जा बागा हबे। तब जाए के गाँव वाले राहत के एहसास नहीं। माननीय राज्यपाल मंगू भाई पटेल 5 दिसंबर का 3:35 पर रीवा पहुंचे, जहां से 4 बजे सर्किट हाउस में रात के आराम करी। अपना का बताइए कि श्री राज्यपाल छतारी का 9वें दीक्षांत समारोह माही भागीदार करे खातिर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय माही जयी और सैनिक स्कूलों का देखे जयी। अपने 3 दिना के प्रवास में रीवा के अलग अलग जगह के घूमे के बाद वो रीवा से कटनी खातिर प्रस्थान करी। देखिए रीवा के तमाम खबर अब बघेली में। नमस्कार।